चलिए गाइस तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर तक अपना जो काम है वो हो चुका है हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी -फाइव से स्टार्ट करें ऑलमोस्ट दिस इज गोइंग टू बी आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइप्स दैट ऑल हैव ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इन सारे के सारे टाइप्स का जो हम लोगों ने वो किए हुए हैं इसके बाद एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आएगा ऑफ द टाइप्स दैट वी ऑल ओके तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव लेट स्टार्टी रीडिंग दैट ओके तो पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट बाय टू प्रोसेसेस एंड द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द सेकंड प्रोसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल तो ये वाला डेटा प्रोसेस टू का है हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोसेस वन के हिसाब से वेरिड एवरेज मेथड किया था और वहां पर तो ना नॉर्मल लॉस आया था ना एबनॉर्मल लॉस आया था ना एबनॉर्मल गेन आया था अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रोसेस वन का नहीं प्रोसेस टू का यहां पे बहुत कुछ आने वाला है पढ़ी अ डब्ल्यू आई पी बैलेंस ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड फॉरवर्ड फ्रॉम मार्च वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट एज फॉलो मटीरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस डायरेक्ट मटीरियल एडेड नाइनटी परसेंट कंप्लीट लेबर सिक्सटी परसेंट कंप्लीट ओवर सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ये चारों का नजारा टोटल मार्के इधर अमाउंट लिखो को बता भी देना प्लीज टू फोर एट फोर्टी टू फोर एट फोर्टी अच्छा जैसा पिछले लेक्चर्स का कुछ याद है कि नहीं ठीक है दो चीजें पूछ रहा हूं सिर्फ इतना ही डेटा देखने का सिर्फ इतना ही डेटा देखने का और कुछ मत देखना मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के हिसाब से कैन आई फॉलो वेटेड एवरेज मेथड यस मेरे को बोलो क्यों, yes, क्यों? क्योंकि मेरे पास बाइफरकेशन है ठीक है ठीक है ठीक है परफेक्ट अभी एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं सोच के मेरे को जरा बोलना मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस नाइन थाउजेंड देखो इसके इधर स्टेज ऑफ कंप्टीशन दिया इसके इधर स्टेज ऑफ कंप्टीशन दिया इसके इधर स्टेज ऑफ कंप्टीशन दिया यार इसके इधर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया कॉमन सेंसेंट हंड्रेड परसेंट एवरीथिंग इन प्रोसेस टू हैज टू बी फुल्ली कंप्लीट फ्रॉम प्रोसेस वन पॉइंट ऑफ व्यू नो सो दे अगर आगे किसी को लिखने का मन है तो दिस इज हंड्रेड परसेंट कंप्लीट ये ऑब्वियस बात है सम को अपने को देने की कोई जरूरत नहीं लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था मेरा क्वेश्चन मैं अब पूछ रहा हूं अगर इतना डेटा है कैन यू फॉलो फीफो मेथड Yes, yes. मेरे को बोलो क्यों क्योंकि अपने पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन है FIFA. ओपनिंग स्टॉक का तो इस क्वेश्चन के अंदर फीफो भी फॉलो कर सकते हैं बीडेड एवरेज भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है अगर सामने कुछ नहीं बोला तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे FIFA. 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 लेकिन अगर सामने कुछ बोल दिया यू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ठीक है तो सम आगे कुछ ना कुछ वो बोलेगा ओके आगे चलते हैं during april 4000 units were transferred from the first process at a cost of 7.5 each this input being treated as direct material within the process output of first process will become the material cost for the second process other cost incurred in the second process was additional direct material x words buttons swali story अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है ये कपड़े वाली स्टोरी होगी जो पिछले प्रोसेस से वो कपड़े वाली चीज होगी ठीक है आगे आगे यहां पर अभी क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस उसके बाद प्रोडक्शन थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स व ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स तो प्रोसेस टू के बाद कोई प्रोसेस थ्री नहीं है फिनिश गुड्स देखो मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत वो ठीक है तो तुमको समझ में आएगा वट एवर आल बी सिंग नाउ नॉर्मल लॉस ऑफ फाइव यूनिट्स

तो एक्चुअली ये वाला लाइन पढ़ के अपने ही बोला तो है कि नॉर्मल okay? तो मतलब अभी अब नॉर्मल गेन तो नहीं आएगा शायद अब नॉर्मल लॉस आ जाए और देखो इस लाइन ने सम ने अपने को बता डाला देखो क्या लिखा है ऑफ प्राइसिंग इज यूज एवरेज बोले तो वेटेड एवरेज ठीक है

ट कैंड एक नॉर्मल लॉस अकाउंट तो आई जाएगा मोस्टली इस क्वेश्चन के अंदर शायद लॉस आना चाहिए तुम लोग क्या करो एक प्रोसेस अकाउंट बनाओ तो हमेशा की तरह एट लाइन का एक नॉर्मल लॉस और तुम लोग यहां पे एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ फोर लाइंस का और एक मिनट के लिए जरा वेट करो आई एम वी मेरे को तुम लोग सम देख के जरा बोलना देखो उसके बाद अपने को स्टेटमेंट ऑफ इक्वाल आउटपुट तो बनाने का ही है ठीक है मेरे को बोलो पर्टिकुलर्स के अलावा इतना ही क्वेश्चन वो देख लो ऊपर वाला मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं मेरे को बोलो पर्टिकुलर्स और टोटल के अलावा कितने और कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से थ्री क्योंकि ये पी टू है तो एक पी वन मटीरियल आ जाएगा उसके बाद एक अपना यहाँ का मटेरियल्स आ जाएगा और लेबर एंड ओवर शायद हम लोग मर्ज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर तुम लोग ना इतना काम वो कर लो वट आई हैव टोल्ड यू ऑल प्रोसेस टू फॉर एट लाइंस नॉर्मल लॉस एब लॉस फॉर फोर फोर लाइन्स और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट जो है विद ऑल दीज पर्टिकुलर कॉलम्स एज सच ठीक है तुम लोग स्टार्ट करो सम आगे कुछ लिखना मत थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर वो आगे करेंगे अभी तक मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया चलो सुनो मेरी बात देखो सामने ना अपने को बोल दिया है कि वेडर एवरेज मेथड फॉलो करना है all, लेकिन कई चीजें मेरे साथ ही लिखो ताकि यहां पे कोई गलती ना हो तो सबसे पहले 1200 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है जिसका वैल्यू ये है अकाउंट के अंदर तो मेरे को ब्रेकअप की कोई जरूरत नहीं है ना तो यहां पर लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी फोर एट फोर्टी फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा मटेरियल सॉरी यहां पे आ जाएगा पी वन फिर यहां पे आ जाएगा मटेरियल्स. फिर यहां पे आ जाएगा लेबर फिर यहां पे आ जाएगा फैक्ट्री वर्स अच्छा सुन पी वन मटीरियल्स देखो इस पीरियड के अंदर और प्रोसेस वन से कितना माल आया ड्यूरिंग अप्रैल चार हजार यूनिट वर ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस एट कॉस्ट ऑफ 7000 थाउजेंड इच तो यहां पे फोर थाउजेंड लिखिए इन टू सेवन पॉइंट फाइव माना थर्टी थाउजेंड आगे मटीरियल्स फोर एट थ्री जीरो उसके बाद डायरेक्ट वेज सिक्स एट फोर जीरो एक सेकेंड ना मैंने कुछ ये दोनों अमाउंट से गलत लिखे हैं एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड सेके. मैंने एक सेकेंड डायरेक्ट मटेरियल मैंने करेक्ट लिखा था फोर एट थ्री जीरो डायरेक्ट लेबर थर्टी टू नाइन सिक्सटी फाइव थर्टी टू नाइन सिक्स और फैक्ट्री एवरेज थर्टी फाइव फाइव थ्री एट अच्छा तो क्रेडिट साइड पे मेरे को बोलो सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस तो ये आ गया नॉर्मल लॉस फाइव ट्वेंटी यूनिट नो ठीक है अमाउंट एक मिनट के लिए मत लिखना ठीक है वो थोड़ी देर के बाद लिखते हैं यहां से गुड्स फिनिश गुड्स को ही जाएगा सामने लिखा हुआ था शायद अपने को उसके बाद लास्ट लाइन पे लिख के रखना बाय क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक देखो यहां पर दिया हुआ है बेटा 980 एटी और जो फिनिश गुड्स भी फिगर गया ना देखो वो भी किधर ना किधर था यार 3400 थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स ट्रांसफर्ड to फिनिश स्ट्रॉक So, क्रेडिट साइड पे वैसे भी देख लेना एक बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा तुम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना वो एबनॉर्मल लॉस ही हो जाना चाहिए था अपने को मालूम था एबनॉर्मल गेन तो नहीं आने वाला है अच्छा सुनो दो चीजों का बेटा मैं पोस्टिंग कर रहा हूं पहले उसके बाद आगे बात करते हैं टू प्रोसेस टू फाइव ट्वेंटी अमाउंट अभी तक नहीं मालूम टू प्रोसेस टू थ्री हंड्रेड अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से नॉर्मल लॉस ज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू मतलब नॉर्मल लॉस बेच के कितना पैसा आना चाहिए था यह नहीं कितना पैसा आया ओके okay? क्योंकि माई जॉब इज स्टिल टू मेंटेन माई अकाउंट एट नॉर्मल कॉस्ट तो देखो यहां पर एक लाइन है द कंपनी रिकवर्ड स्क्रैप ऑफ टू जीरो फाइव जीरो अगेंस्ट एक्सपेक्टेड स्क्रैप ऑफ टू पर यूनिट जो भी नॉर्मल लॉस यहां पे रिकॉर्ड करोगे ना दर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट एक्सपेक्टेड स्क्रैप वाली टू रुपीज लिख के रखो सब तो अपने को वन जीरो फोर जीरो आना चाहिए था कोई ऐसा सोच सकता है सर लेकिन आ तो टू जीरो फाइव जीरो गया आई डोंट थिंक सो अपने को इतना आना चाहिए था ये नहीं है कि अपने को इसके बदले में यह वाला फिगर आ गया क्योंकि 2050 जीरो फाइव जीरो मजबी द टोटल स्क्रैप दैट वी हैव गॉट ओके वहां पे देखो लिखा हुआ है रिकवर्ड स्क्रैप ऑफ 2050 जीरो अगेंस्ट एक्सपेक्टेड स्क्रैप ऑफ टू पर यूनिट तो अपने टू जीरो फाइव जीरो रूपीज सची के अंदर वो स्क्रैप वाले ने दिया लेकिन मेरे को जरा बोलो मैंने उसको कितना यूनिट बेचा होगा ए ट्वेंटी पांच सौ बीस का नॉर्मल लॉस एंड ऑब्वियसली बोलो आगे थ्री हंड्रेड का एबनॉर्मल लॉस जरा कैलसी लेना एक बार 2050 डिवाइडेड बाय 820 ट्वेंटी तो 2.5 तो एक सेकेंड अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्रैप कितने का था टू लेकिन अपने को ढाई रुपया मिल गया ठीक है अभी तो देखो ये यहां पर तो वन जीरो फोर जीरो ही लिखो अभी जब कैश बैंक का बात करेगा ना दैट विल बी ऑब्वियसली एट टू पॉइंट फाइव फाइव ट्वेंटी यूनिट बेच के तेरह सौ रुपया मिला अच्छा एक और चीज अब नॉर्मल लॉस में भी जाओ यहां पे भी लिखो कैश बैंक बेटा यहां पे भी तीन सौ यूनिट तो बिका रहेगा ना यार एट द रेट ऑफ टू पॉइंट फाइव सेवन फिफ्टी अच्छा क्या करना ये 2.5 के ऊपर एस्ट्रिक डालो 2.5 के ऊपर एस्ट्रिक डालो किधर भी अगर नीचे एक वीकेंड लाइन है ना बस एक एस्ट्रिक डाल के वहां पे लिख देना टू जीरो फाइव जीरो डिवाइडेड बाय फाइव ट्वेंटी प्लस थ्री हंड्रेड चलो सुनो अभी इस वक्त जरा ध्यान से देखना वट एवर आई एम अबाउट टू बी टेलिंग यू ऑल देखो नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर 1040 मिलना चाहिए था लेकिन मिल ज्यादा गया यार कितना ज्यादा मिल गया टू सिक्स जी फर्स्ट टाइम अपने साथ ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल लॉस अकाउंट के ना एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है और शायद एक कॉमन सेंस है मेरे को लगा था दो मिलेगा ढाई मिल गया ये खुशी मेरे को पहले नहीं मालूम थी कि होने वाली है ओके तो दिस इज माय काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑब्वियसली शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट तो, तो यहां पे कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट डाल दो चलो ये वाला जो काम है अपना हो गया ठीक है बाद में जब आप लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज करोगे ना ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर इसी साइड पे आएगा क्योंकि डेबिट साइड पे यहाँ पर अभी तक कॉस्ट वो हैवी वाली चीज आनी बाकी है है ठीक तो यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर जब भी आएगा वो देख लेंगे ठीक है चलो सुनो इस सम के अंदर ये एक एडजस्टमेंट था दैट आई वॉन्टेड ऑल टू नो ठीक है वो वाली चीज एक याद रखना आ... देखो यहां पे पॉइंट नंबर वन के अंदर भी मैंने वो लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट एक्सपेक्टेड स्क्रेप वैल्यू एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू इज डिफरेंट टेक द डिफरेंस टू कॉस्टिंग पीरियड अकाउंट जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन है टू सिक्स के साथ किया हुआ है ठीक है सो अभी मैं नॉर्मल लॉस अकाउंट ना इरेज कर रहा हूं मेरे को नहीं चाहिए कि मैं बार बार वही चीज वो बोलते रहूं ठीक है सो दिस थिंग इज ऑल गॉन ठीक है अब नॉर्मल लॉस अकाउंट आई जस्ट कीप इट जस्ट लाइक दैट ओनली सो अभी सामने अपने को बोल दिया विच मेथड इज टू बी फॉलोड एवरेज मेथड एवरेज मेथड बोले तो वेटेड एवरेज मेथड अच्छा सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना फीफो के अंदर ब्रेकअप होता है लीफो के अंदर भी ब्रेकअप होता है लेकिन वेटेड एवरेज के पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो क्वेश्चन किए यार एक मैंने एक आपने किया उसके अंदर कोई ब्रेकअप नहीं होता जस्ट कॉपी द क्रेडिट साइड इट इज ऑल ओवर मैक्सिमम उसके अलावा एब्नॉर्मल लॉस या गेन आ सकता है ठीक है अभी तुम लोग सोच के बोलना लिखना नहीं सोच के बोलना मेरे को जरा बोलो यहां पर टोटली totally, कितना लाइन आएगा थ्री मेरे को फर्स्ट लाइन बोलो ना बस मेरे को समझ में आ जाएगा गुड्स कंप्लीटेड बस 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 बाकी तुम्हारा करेक्ट ही होने वाला है एक गुड्स कंप्लीटेड आ जाएगा सेकेंड लाइन क्या आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस और उसके बाद थर्ड यहां पर क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ठीक है क्लोजिंग स्टॉक नाइन एट्टी यूनिट का था नाइन एट्टी नाइन एट्टी नाइन एट्टी नाइन एट्टी हाँ ठीक है सो जैसे ये वाला काम करोगे तुम्हारा स्टेट ऑफ आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा बी केयरफुल दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल फॉर यू ऑल नाउ ठीक है ये अभी वेट करो वेट करो वेट करो बिकॉज आई एम टेलिंग यू ऑल वट एवर इज टू बी डन उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एक चीज भूल मत जाना यू आर डूइंग डूंगे एवरेज मेथड बेटा यहां पर पी वन मटीरियल आएगा यहां पर मटीरियल आ जाएगा यहां पे लेबर एंड ओवरहेड्स आ जाएगा यहां फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे को बोलो वॉट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल डू जब ये वाला चीज स्टार्ट करते हो कुछ बोलो ना कंबाइन लास्ट पीरियड का कॉस्ट विद करंट पीरियड का कॉस्ट दिस इज योर ये एवरेज मेथड नो सो so यहां पर क्या होने वाला है कुछ ऐसा दिस विल बी नाइन थाउजेंड ओपनिंग स्टॉक का ब्रेकअप दिस विल बी एटीन हंड्रेड एंड दिस विल बी सिक्स एट फोर जीरो प्लस सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ये सारे के सारे हो गए लास्ट पीरियड का कॉस्ट ठीक है फिर उसके बाद अपने को करंट पीरियड के कॉस्ट भी तो ऐड वो करने पड़ेंगे सो दे फोर करंट पीरियड वो तुमको अकाउंट से भी एक्चुअली वो मिली जाता है थर्टी थाउजेंड फोर एट थ्री जीरो और ये वाला फिगर थर्टी टू नाइन सिक्स ये वाला जो है दिस इज थर्टी फाइव फाइव थर्टी एट ओके बस एक बार ये वाला चीज हो गया लेकिन एक चीज लेस भी तो करना पड़ता है बोलो क्या स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस तो यहां से वन जीरो फोर जीरोस करना पड़ेगा एक मिनट तुमको समझा मैंने पी वन मटीरियल से क्यों लेस किया वी ऑलवेज रिड्यूस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस फ्रॉम पी वन मटीरियल एक बार ये वाला काम कर लोगे बस ओके डिवाइडेड बाई दिस डिड बाई दिस एंड डिवाइडेड बाई दिस जैसे ही तुम्हारा ये वाला काम खत्म हो जाएगा शायद वो डेसिमल्स के अंदर ही आएगा तो वो तीन नंबर्स विल स्टार्ट टू कम ओवर हियर 1 2 एंड 3 ठीक है उसके बाद तुम्हारा लास्ट चीज दैट इज रोमन नंबर 3 दिस विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनेस्टली तुम्हारा ये वाला काम तो एक लाइन के अंदर ही हो जाएगा गुड्स कंप्लीटेड ओके तो पहले मेरे को जरा बोलो कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए ंड्रेड थ्री थाउजेंड ये वाला फिगर यहां पर आ जाएगा काम खत्म हो गया सेकेंड उसके बाद एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा ऑब्वियसली लॉस के अंदर तीन चीजें वो डालना पड़ेगा पी वन मटीरियल उसके बाद मटीरियल उसके बाद लेबर एंड ओवरहेड्स और उसके बाद थर्ड क्लोजिंग स्टॉक लेकिन एक चीज जो तुम्हारे साथ होएगा दीज नंबर्स विल नॉट बी एग्जैक्ट नंबर्स तो तुम लोग को एंड के अंदर वो वाला ट्रिक करना पड़ेगा वो ट्रिक याद है सबको दाँगे। दाँगे। हाँ ठीक है तो यहां पर भी पी वन मटीरियल आ जाएगा यहाँ पे भी मटीरियल लेबर एंड ओवर एक चीज जरा याद रखना कोई भी सम तुमको इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं देता क्योंकि वो इम्प्लाइड होता है implied. मेरे हिसाब से अभी तुम लोग ये सम गलत नहीं कर सकते इट इज इम्पॉसिबल दैट यू कैन गेट इट रॉन्ग ओके सो प्रूव मी करेक्ट दैट यू विल नॉट गेट इट रॉन्ग ठीक है तो आई एम शोइंग यू ऑल द क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ दिखाने वाला वो नहीं है यू नो दीज पर्टिकुलर थिंग्स ठीक है मैं क्वेश्चन वो दिखा के आई एम गिविंग यू ऑल टेन मिनट्स मेरे ख्याल से टेन मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए ओके okay, तुम लोग स्टार्ट करो चाहो तो इतना वो बना लो देन आई टर्न द क्वेश्चन प्रथम मोस्टली वो करेक्ट ही है बेटा आई एम नॉट मेरे को नॉर्मल कॉस्ट का टोटल बता दोगे तो आई एल बी एबल टू रिमेंबर नॉर्मल ट्वेंटी नाइन पॉइंट बराबर है बेटा वो। सब लोग अपना ये वाला परसेंटेज चेक करना बेटा ये हंड्रेड ये हंड्रेड ये हंड्रेड ये, ये, ये तो होता ही है और ये दोनों भी हंड्रेड ही होंगे बिकॉज एवरी थिंग इन पी टू हेज टू बी फुल्प्लीट फ्रॉम पी वन पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो सम तुमको देगा स्क्रैप यूनिट फॉर एट्टी एंड सिक्स दिस इज एट्टी सिक्सटी दिस इज नाइन्टी फिफ्टी Thank you. लास्ट वाला फोर जीरो सेवन जीरो था यसरोस yes, yes, oh. का वैल्यू सिक्स फोर थ्री सिक्स फोर थ्री सिक्स सिक्स फोर थ्री सिक्स और यहाँ पर इस वैल्यूएशन के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक वो कितना आता है yes. One 19182 nine, one but it will be rounded off 1917 one 19173 totally प्लीज अपना एक नॉर्मल लॉस अकाउंट जो है खत्म कर लेना सब सब लोग सिक्स फोर थ्री सिक्स माइनस सेवन फिफ्टी तो फाइव सिक्स एट सिक्स विल बी गोइंग टू कॉस्टिंग फिनल अकाउंट फाइव सिक्स एट सिक्स ये वाला फिगर मैं एक मिनट और दे रहा हूं जिन लोगों का अभी तक खत्म नहीं हुआ जिन लोगों का खत्म हो गया है तुम लोग पेजेस काउंट करने स्टार्ट करो ट्वेंटी थ्री साइड्स अच्छा ट्वेंटी क्वेश्चन नो दैट आई हैव मेड आज तक कोई एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जहां पे आई हैव कवर्ड प्रोसेस वन प्रोसेस टू एवरीथिंग एवरीथिंग ओके एंड एक क्वेश्चन लास्ट डे पर रिवाइज करके जाओगे ना सो एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी ओवर ओके उसके अंदर एक हिंट मेरे को वो देने का है लेकिन वो भी बहुत ईजी ही है वैसे तो ठीक है तो आपको उस क्वेश्चन के लिए चार साइड की जरूरत पड़ेगी तो सेवन साइड वी विल बी लीविंग और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट स्टार्ट करेंगे वो अलग थलग क्वेश्चन है थोड़ा सा सर तो अभी आपने क्या बोला कुछ Seven? नहीं सेवन साइड्स छोड़ दो फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस वो होमवर्क वाले हैं ओके okay. आज सुनो आ, बस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी 27 के अंदर एक छोटा सा चीज वो अपने आगे जाके भी बहुत चैप्टर्स के अंदर आएगा वहां पे ना स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखोगे तो हर एक जगह पे ऐसे दिया हुआ है मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब मेरे को भी नहीं मालूम लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं वट डू यू कन्वर्ट इंटू वट मेरे को बोलो वट डू यू कन्वर्ट इंटू वट रॉ मटीरियल टू फिनिश गुड तो तेरे पास मटीरियल है भाई तेरे को उसको फिनिश गुड्स के ना कन्वर्ट करने का है तो रॉ मटीरियल से फिनिश गुड्स तक पहुंचने के लिए बेसिकली तेरे को एक डायरेक्ट लेबर का खर्चा करना पड़ेगा मटीरियल तो है तेरे पास यू आर कन्वर्टिंग मटीरियल इंटू फिनिश गुड्स मटीरियल को फिनिश गुड्स के ना कन्वर्ट करने के लिए एक लेबर का खर्चा होता है एक फैक्ट्री ओवर का खर्चा होता है शायद अगर डायरेक्ट एक्सपेंसिज हुआ दैट विल कमिंग ठीक है तो किधर भी क्वेश्चन नंबर के ना कन्वर्जन कॉस्ट बहुत जगह पर है ठीक है किधर भी एक बार अंडरलाइन करके लिख देना डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवर कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होएगा तो वो भी आई जाएगा और ये याद रखना ये या आगे जाके भी अपने वो कई चैप्टर्स के अंदर काम में आने वाला है चलिए अभी आगे चल पढ़ते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सॉरी ट्वेंटी एट चलो सुन ये अलग क्वेश्चन है हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया बट माइट बी दिस इज वन क्वेश्चन दैट यू विल नॉट रिक्वायर एनी कॉन्सेप्ट्स आल्सो ओके पढ़ोगे तो होना स्टार्ट हो ही जाएगा पढ़ नील कमल लिमिटेड तुम लोग को बहुत चीजें इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करनी है तो ध्यान से पढ़ते रहना कमल लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्लास्टिक मोल्डेड चेयर चेयर बनाता है ठीक है थ्री मॉडल्स ऑफ मोल्डेड चेयर ऑल द वेरिएशन ऑफ द सेम डिजाइन आर स्टैंडर्ड डी एंड एग्जीक्यूटिव ठीक है द कंपनी uses एन ऑपरेशन कॉस्टिंग सिस्टम अच्छा वैसे तुम्हारा इस चैप्टर का जो नाम था ना इट वॉज ऑपरेशन इट वॉज प्रोसेस कॉस्टिंग लेकिन ना इसको हम लोग ऑपरेशन कॉस्टिंग भी बोल देते हैं ऑल्दो प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग एक्चुअली सेम हो थोड़ा सा अगर कभी मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए जाऊं तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है ओके okay, हम लोगों ने जो किया हुआ है सपोज मेरा ये एक डिपार्टमेंट है ठीक है दिस इज डिपार्टमेंट वन वे आर कॉटन इज कन्वर्टेड इन थ्रेड ठीक है उसके बाद मेरा एक डिपार्टमेंट टू है whereby thread is into cloth, और एक डिपार्टमेंट है है? है? मेरा, ठीक ठीक तो ये मेरा प्रोसेस वन हो गया ये मेरा प्रोसेस टू हो गया ये मेरा प्रोसेस थ्री हो गया ईच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ठीक है आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है अभी अगर कभी बोलेंगे ना ऑपरेशन कॉस्टिंग है इनस्टेड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग तो अपने लिए एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन उसका इन रियलिटी मतलब क्या होता है सपोज ये डिपार्टमेंट वन है ठीक है कॉटन टू थ्रेड कन्वर्ट करने के लिए, के लिए डिपार्टमेंट अंदर भी ना तीन छोटे छोटे प्रोसेस है ठीक है कॉटन टू थ्रेड कन्वर्ट अगर पूरे डिपार्टमेंट को इकट्ठा देखोगे सो कॉटन इज गेटिंग कन्वर्ट इन टू थ्रेड लेकिन अगर बारीकी से देखोगे ना शायद कॉटन को थ्रेड के ना कन्वर्ट करने के लिए भी तीन अलग अलग स्टेजेस होते हैं तो हर एक स्टेज को मैं बोल देता हूं दिस इज ऑपरेशन वन ऑपरेशन टू ऑपरेशन थ्री ओके तो बेसिकली इनस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट यू विल स्टार्ट टू प्रिपेयर ऑपरेशन वाइज अकाउंट तुमको फर्क समझा इट इज फार मोर डिटेल्ड एज कंपेयर टू प्रोसेस कॉस्टिंग यूल अंडरस्टूड दिस ठीक yes, है तुम्हारे लिए एक्चुअली कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे क्या हो जाएगा आउटपुट ऑफ ऑपरेशन वन आगे बोलो आगे बोलो विल बिकम इनपुट ऑफ ऑपरेशन टू ओके तो इन अ सेंस इट इज मोर डिटेल्ड एज कंपेयर टू प्रोसेस कॉस्टिंग ओके क्योंकि यहां पे हर डिपार्टमेंट को भी हम लोग ब्रेक ऑफ कर देते हैं इन रियलिटी ना तो ऑनेस्टली कोई भी ना इतने सारे अकाउंट्स वगैरह वो नहीं बनाएगा यू शुड स्पेंड मोर मनी ऑन इंप्रूविंग योर बिजनेस

मल लिमिटेड हैज एक्सट्रूशन ऑपरेशन फॉर्मिंग ऑपरेशन ट्रिम ऑपरेशन एंड फिनिशिंग ऑपरेशन ठीक है अभी हर प्रोसेस के अंदर क्या क्या हो रहा है तुम लोग विजुअलाइज करना मैं तुमको कोई वीडियो वगैरह तो नहीं दिखा सकता लेकिन इफ यू थिंक तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्लास्टिक शीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रूशन ऑपरेशन अच्छा तुम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा पहले मेरे को जरा बोलो हमारा कंपनी बनाता क्या है चेयर्स ठीक है कितनी टाइप्स ऑफ चेयर्स बनती हैं तीन तीन लेकिन कितने प्रोसेसेस के अंदर चार चार ठीक है अभी ना तुम लोग पहले क्या करो तुम लोग ना इतना पढ़ो जो मैंने ब्रैकेट मारा ठीक है तुम लोग इतना खुद ब खुद पढ़ो और विजुअलाइज करो कि हर ऑपरेशन के अंदर क्या होता है पढ़ो इतना जो मैं ब्लैक के अंदर वो अंडरलाइन कर रहा हूं आराम से ये वाला चीज पढ़ना और विजुअलाइज करना कि हर ऑपरेशन के अंदर क्या होता है यहां तक पढ़ोगे तो तो भी चलेगा ये लास्ट वाला लाइन आप लोग छोड़ दो ये पढ़ो तुम लोग अच्छा सुनो तुम लोग को वो समझ में आया कि हर प्रोसेस के अंदर क्या क्या वो हो रहा है हा yes, तो अभी मैं तुमको मेरी बेस्ट पेंटिंग वो दिखा रहा हूं ठीक है फर्स्ट प्रोसेस के अंदर सिर्फ ऐसा प्लास्टिक शीट जो है बन जाता है ठीक है ये फर्स्ट ऑप्शन मेरे को जरा बोलो तुम लोग हर प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चेयर्स वगैरह तो वो बना रहे हो तो स्टैंडर्ड चेयर फिर डीलेक्स चेयर एग्जीक्यूटिव चेयर ये जो प्लास्टिक शीट्स है इन दिस पर्टिकुलर केस इज इट बींग प्रोड्यूसड फॉर ऑल द चेयर Yes, हाँ तो आई थिंक ऑल द चेयर फर्स्ट प्रोसेस नो ठीक है दिस इज एक्सक्लूशन ऑपरेशन ठीक है उसके बाद जो सेकेंड वाला है दैट इज फॉर्मिंग मटीरियल ये जो चेयर्स है ना अभी ये लोग इन चेयर्स को यहां पर चेयर सीड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सो दे इट इज समथिंग लाइक दिस ओके

तो जो जो स्टैंडर्ड चेयर है उसके अंदर सिर्फ प्लास्टिक का ऐसे वो डिजाइन है और लेग्स है और कुछ भी नहीं है ठीक है फिर उसके बाद अपना थर्ड प्रोसेस वो आ गया दैट इज द ट्रिमिंग ऑपरेशन ठीक है जो ट्रिमिंग ऑपरेशन है इन दिस पर्टिकुलर केस वहां पर आर्म्स आर एडेड टू द डीलेक्स एंड एग्जीक्यूटिव चेयर एंड चेयर एजेस आर स्मूदर तो ये जो ऊपर वाला जो चेयर वगैरह था उसके अंदर ना आर्म्स आर आल्सो एडेड ठीक है और ऐसा बाकी दोनों चेयर्स के साथ होएगा मेरे को बोलो इसके बाद विच चेयर विल बिकम अ फिनिश प्रोडक्ट जो डील और लास्ट के अंदर एक एक्सट्रूशन ऑपरेशन है नहीं एक वो फिनिशिंग ऑपरेशन है ओके जो फिनिशिंग ऑपरेशन है तो वहां पर ऑल द कुशनिंग एंड ऑल इज आल्सो डन ओके तो यहां पे वही वाला चीज वो लिखा हुआ था ओनली द एग्जीक्यूटिव चेयर एंटर्स अ फिनिशिंग ऑपरेशन इन विच द पैडिंग इज एडेड ऑल द क्वेश्चन वगैरह आर एडेड ठीक है तो

अभी तुम लोग को जो भी मैंने वो बोला ना तुमको समझ में आ जाएगा सर नेक्स्ट लाइन वॉज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस रिसीव द सेम स्टेप्स विद इन ईच ऑपरेशन तुमको ये लाइन खुद ब खुद समझ में आता है एग्जाम्पल 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 जो तुम्हारा फर्स्ट प्रोसेस है ठीक है चाहे कोई भी चेयर फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जाए उसको फर्स्ट प्रोसेस के अंदर तो सेम ट्रीटमेंट ही मिलने वाला ना द प्लास्टिक शीट्स विल बी देयर फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ चेयर सेम वेरा सोचो लेग्स थ्री टाइप्स नो ठीक है टाइप्स ऑफ चेयर विच गोइंग साइड दैट प्रोसेस नो मतलब yes, yes, स्टैंडर्ड चेयर के डीलेक्स और वो जो लास्ट वाली चेयर है यार वो कौन सी है एग्जीक्यूटिव ओके yes, तो दे विल बी रिसीविंग द सेम ट्रीटमेंट नो जब हम लोग आर्म्स एड कर रहे हैं तो हम लोग आर्म्स तो डीलेक्स के लिए भी एड कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव के लिए भी एड कर रहे हैं okay? ओके तो ये लाइन इन लोगों ने मेरे को दिया हुआ है थैंक्स अलॉट बट तो ऑनेस्टली इफ यू ट्राई टू रीड दिस एंटायर थिंग नो वैसा ही होता है कि हर प्रोसेस के अंदर एवरी टाइप ऑफ चेयर गेट्सो इन एंड जो फाइनली चेयर्स प्रोड्यूस होगा वो अलग ही होगा क्योंकि सम चेयर्स विल गेट फिनिश्ड आफ्टर स्टेज टू चेयर्स विल गेट फिनिश आफ्टर स्टेज थ्री सम चेयर्स विल गेट फिनिश आफ्टर स्टेज फोर इज इज ऑल ओके फॉर एवरीबडी चलो yes. आगे इन अप्रैल इन अप्रैल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट इन रूपीज आर एस फॉलोस ठीक है स्टैंडर्ड चेयर डीलेक्स चेयर एग्जीक्यूटिव यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इतना 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 एक्सट्रूशन मटीरियल मतलब एक्सट्रूशन प्रोसेस के ना मटीरियल कॉस्ट कितना लगा वो इतना 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 अभी तुम लोग क्या करना सुनो ये वाला चीज तुम लोग ट्राई करोगे ना तुम लोग को समझ में आएगा आए या इस फिगर को इससे डिवाइड करो एक सेकेंड मैं कुछ रब करता हूं या इस फिगर को इससे डिवाइड करो या इसको इससे डिवाइड करो या इसको इससे डिवाइड करो देखो आंसर हर जगह पर सेम ही आएगा पहले वो कर लो और फिर सोचो आंसर क्यों सेम आएगा

सेकेंड टाइप ऑफ चेयर के अंदर भी बारह रुपए का माल ही लग रहा है ओके थर्ड टाइप ऑफ चेयर के अंदर भी बारह रुपए का माल ही लग रहा है सेम वे इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर्मिंग के अंदर मटीरियल तुम लोग इस डेटा को इस डेटा से डिवाइड करके वो देख लेना हर जगह पर सेम कॉस्ट ही आने वाला है अच्छा अभी तुमको नेक्स्ट चीज समझ में आएगा तुमको समझा कि यहां पे जीरो क्यों आ गया Yes, हाँ। क्योंकि स्टैंडर्ड चेयर सेकेंड प्रोसेस के बाद तो कंप्लीट हो ही गई ना मेरे ख्याल से तो इसके बाद वो आगे तो जाएगी नहीं ओके सेम वे ये दोनों विल भी जीरो द टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट को अंडरलाइन करो ऊपर लिख देना डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवर जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले सेक्शन के लिए भी लिखा था इन रुपीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एस फॉलोस एक्सक्लूशन ऑपरेशन के अंदर इतना डीएल और एफओएच का खर्चा हुआ सेकंड में इतना थर्ड में इतना फोर्थ में इतना मटीरियल उन लोगों ने यहां पर दिया हुआ है और लेबर और फैक्ट्री एवरेज कंबाइन करके इधर दिया हुआ है अगर सोचोगे ना हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन शायद पहले तो कभी नहीं किए अभी तक स्टेज ऑफ कंप्लीशन करके एक नंबर भी नहीं आया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर ठीक है रिक्वायर्ड सिर्फ पार्ट वन ही पढ़ेंगे फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नील कमल लिमिटेड ड्यूरिंग अप्रैल डिटर्मिन द यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट अभी ये क्वेश्चन के अंदर मेरा प्रेजेंटेशन और आईसीए का जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा वो अलग होगा वो क्या करते हैं बोलो एक स्टेटमेंट बना के यूनिट कॉस्ट निकाल देता है यूनिट कॉस्ट बोले तो कॉस्ट पर यूनिट और वो करना बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है इनफैक्ट सम ऑफ द वर्क आई हैव टोल्ड यू ऑल इसको इससे डिवाइड करेगा तो ये कितना आ गया था बारह बारह रुपए का मटेरियल और बाद में कन्वर्जन कॉस्ट जो है एड कर देना पर यूनिट निकाल के फिर उसके बाद जो फॉर्मिंग वाला है वहां पे भी दिस अपॉन दिस किसी ने दिस अपॉन दिस वो किया रहेगा वो फोर रुपीज आता है तो फोर रुपीज का मटेरियल और एड होगा तो धीरे 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 एड करते रहो और स्टैंडर्ड चेयर के अंदर सिर्फ फर्स्ट टू प्रोसेस का ही डेटा लेना तुमको समझा फिर उसके बाद जो डील जो डीलेक्स चेयर है उसके ना फर्स्ट थ्री प्रोसेस का डेटा लेना और जो एग्जीक्यूटिव है उसके ना वो चारों प्रोसेसिस का तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया नथिंग सो रॉन्ग इट वॉज देयर वे उन लोगों ने पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाला और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया मैं उल्टा करने जा रहा हूं मैं पहले टोटल कॉस्ट निकालूंगा और उसके बाद आई विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ तो मेरे को पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा ठीक है तुम लोग दो मिनट के लिए कुछ नहीं लिखना ठीक है सुन। सबसे पहले यहां पर तुम्हारा फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है इट्स कॉल्ड एज एक्सट्रूशन ऑपरेशन मेरे को सोच के बोलना एक्सक्रूशन ऑपरेशन में ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ चेयर्स आर गोइंग क्या no. <laughs> Yes, no? यस नो तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डीलेक्स डीलेक्स एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ठीक है तो ये तुम्हारा एक्सट्रूशन ऑपरेशन अकाउंट एक्सट्रूशन ऑपरेशन अकाउंट जो तुम्हारा फर्स्ट वाला था मेरे ख्याल से ठीक अभी ये जो तुम्हारा एक्सट्रूशन ऑपरेशन अकाउंट है ना यहां पर कुछ ऐसे होने वाला है कई चीजें मैं रब करता हूं वरना मेरे को दिखाई नहीं देगा सुनो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा एक्सक्लूशन ऑपरेशन के अंदर टू मटेरियल कॉस्ट अभी मेरे को जरा बोलो यहां पे तीन मटेरियल कॉस्ट के तीन नंबर क्या होंगे स्क्रीन पर है डायरेक्टली मेरे को तीन नंबर बोलो जीरो दीज पर्टिकुलर थ्री नंबर्स विल बी कमिंग ठीक है बस इस क्वेश्चन के ना एक ही ट्रिक है दो थ्री नंबर्स विल बी कमिंग हो गई उसके बाद यहां पर लेबर और फैक्ट्री ओवर के बदले में क्या देखे रखा हुआ है कन्वर्जन कॉस्ट ठीक है कन्वर्जन कॉस्ट सिक्स जीरो सिक्स थ्री सेवन फाइव है पंगा बस एक ही है दिस हैजू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द्री टाइम ओके अमंग ऑल द्री टाइप्स ऑफ चेयर ऑब्वियसली देखो एक लाइन बोलता हूं ठीक है ध्यान से सुना ये वाला लाइन आई हैव टू गिव सेम कॉस्ट पर यूनिट टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ चेयर इज दिस लाइन अंडरस्टूड हेंस आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर मैं कोई भी चीज को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेगा ना तो कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम ही आएगा अगर वो नहीं समझ में आता तो सपोज जब हमारा फेस टू फेस लेक्चर स्टार्ट होता है ठीक है तो मेरी क्लास का एक रेंट है आई वॉन्ट टू बी चार्जिंग दैट रेंट इक्वली टू ऑल द स्टूडेंट्स चाहे तुम सीए फाउंडेशन का हो चाहे तुम सीए इंटर का हो चाहे तुम सी ए फाइनल का हो तो मैं क्या कर लूंगा आई विल टेक टोटल रेंट एंड आई विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच विल कंप्राइज ऑफ द टोटल ऑफ इंटर फाइनल एंड फाउंडेशन अगर मैं ऐसा करूंगा ऑटोमैटिकली एवरी स्टूडेंट विल बी गेटिंग द सेम रेंटल कॉस्ट सर ये समझ में आ गया सबको ठीक yes, है uh, तो इन दिस पर्टिकुलर केस सिक्स जीरो सिक्स थ्री सेवन फाइव इन दिस केस आई डिवाइडेड अप इन दिस पर्टिकुलर रेशियो बस ओके okay? मतलब डिवाइडिंग बाय दिस एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय दिस 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 इज नथिंग बट इन दिस केस सिक्स जीरो सिक्स थ्री सेवन फाइव आई एम राइटिंग इन रेशो ऑफ क्या आ जाएगा बेटा विल टेक इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली तो ताकि कोई पंगा ना हो ठीक है तो आई टेक इट लाइक दैट ओनली थ्री फाइव टू फाइव जीरो दिस विल बी थ्री फाइव जीरो जीरो जैसे ये वाला काम कर लेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिस इज ऑल डन नेक्स्ट क्वेश्चन पोपट मत करवाना आपका मेरे को जरा बोलो डू ऑल द थ्री चेस गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस यस दे विल बी गोइंग टू फॉर्मिंग ऑपरेशन ठीक है तो यहां पे फॉर्मिंग ऑपरेशन अकाउंट जो भी टोटल होएगा ऑफ द डेबिट साइड ओके विल डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रोसेस ठीक है उसके बाद यहां पे आ जाएगा फॉर्मिंग ऑपरेशन अकाउंट आई एम स्पीडिंग अप नाउ ठीक है तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा एक्सट्रूशन ऑपरेशन मटीरियल फर्स्ट सेकेंड थर्ड डीज नंबर विल स्टार्ट टू कम ओवर हियर ठीक है उसके बाद यहां पे और मटेरियल कॉस्ट लग जाएगा उसके बाद और कन्वर्जन कॉस्ट लग जाएगा ठीक है ये तीन नंबर विल बी नथिंग बट डीज थ्री नंबर और उसके बाद टू लैख ऑफ तो तीनों चेयर के अंदर ही डिवाइड करने का टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज टू फाइव टू फाइव जीरो हंड्रेड जैसे ये वाला काम करोगे अब मेरे को जरा बोलो विच चेयर इज कंप्लीटेड द स्टैंडर्ड चेयर तो अभी मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से जरा सुनना आई एम राइटिंग बाय फिनिश गुड्स स्टैंडर्ड चेयर का जितना भी कॉस्ट होगा फिनिश गुड्स को भेज देना और उसके बाद जो बाकी है वो अपने नेक्स्ट प्रोसेस को वो चला जाएगा दैर इज नथिंग बट ट्रिम ट्रिम ऑपरेशन अकाउंट ठीक है तो यहां पर दो बैलेंसिंग फिगर्स आएंगी एक डिलेक्स के लिए एक एग्जीक्यूटिव के लिए बस नेक्स्ट आई विल टेल यू ऑल यू ऑल विल अंडरस्टैंड द लास्ट वन ऑल्सो दिस इज ट्रिम ऑपरेशन अकाउंट मेरे को बोलो अभी यहां पर कितनी chairs बस बच गई एग्जेक्यूटिव डीलेक्स एग्जेक्यूटिव ठीक है तो एक यहां पे सबसे पहले वो आ जाएगा टू फॉर्मिंग मटीरियल ठीक है टू फॉर्मिंग ऑपरेशन का मटीरियल ठीक है सो इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर जो वो दो नंबर थे एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर विल कम ओवर हियर। उसके बाद यहां पे आ जाएगा मटेरियल। मटेरियल जो है वो ये वाला कॉस्ट है ठीक है बस इसके बाद यही चीज मेरे को बोलने का था गलत मत करना सुनो ये जो अभी तुम्हारा कन्वर्जन कॉस्ट है ना ये वाला जो फिगर है दिस इज वन फिफ्टी ठीक है ये जो 155, 250 है ना दिस विल गो इन रेशो ऑफ मेरे को अभी तुम लोग दो नंबर बोलोगे कि तीन नंबर five बोलोगे फाइव टू फाइव जीरो प्लीज अभी यहां पर यू विल डिवाइड बाय द टोटल ऑफ फाइव टू फाइव जीरो एंड थ्री थाउजेंड वी डूंगुलर थिंग दिस विल ऑल्सो बी ओवर इसके बाद विच चेयर इज ओवर डील तो यहां पर आ जाएगा बायिश गुड्स और यहां पर वो आ जाएगा फिनिशिंग ऑपरेशन दट इज फॉर एग्जीक्यूटिव तुमको इतना भी समझ में आएगा सर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन अकाउंट विल बी द फास्टेस्ट वन मेरे को बोलो भाई एक ही बनेगा वहां पे सिर्फ एक ही आएगा तो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ठीक है तो यहां पर टू ट्रिम ऑपरेशन मटेरियल्स एक तो वो आ जाएगा उसके बाद एक मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट को डिवाइड भी नहीं करने का बेटा क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट नाइनटी फोर फाइव हंड्रेड सारा का सारा इसी के लिए था ठीक है स यूर गुंड विल बिकम फिनिश ठीक है अभी इसके बाद आई है अकाउंट हम लोग वैसे भी वो बनाए लेते को पूछा हुआ है यूनिट कॉस्ट ऑफ इच चेयर ठीक है यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट ठीक तो स्टैंडर्ड चेयर उसके बाद तो डीलेक्स चेयर उसके बाद एग्जीक्यूटिव चेयर सुनो 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 देखो स्टैंडर्ड चेयर का फाइनल कॉस्ट इधर है यू ऑल अंडरस्ट दिस डीलेक्स yes, चेयर का एक मिनट गलत बोला गलत बोला गलत बोला तो ये सर तो वो किसने बोला सुनो जो डीलेक्स एक मिनट स्टैंडर्ड चेयर का फाइनल कॉस्ट इधर है डीलेक्स चेयर का फाइनल कॉस्ट जो है वो इधर है और एग्जीक्यूटिव चेयर का जो फाइनल कॉस्ट है वो इधर है ओके सो दे फोर दोस्ट तब मिलेगा वेन दे गो टू तो फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई मेरे को तीन नंबर बोलो उजेंड फाइव हंड्रेड टेन थाउजेंड फाइव ठीक है आईसीए ने क्या किया एक वर्किंग नोट के थ्रू ना पहले ये वाले नंबर्स निकाले फिर इन नंबर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर लाया आई एम ट्राइंग टू डू अ रिवर्स थिंग तो इट डजें मैटर योर आंसर इन एनी केस विल बी कमिंग सेम ओनली ठीक है आप लोग ये वाले चार अकाउंट्स खत्म करो यू डू नॉट रिक्वायर माई हेल्प फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग यू फिनिश इट ऑफ तुम लोग पहले अकाउंट्स बना लो ताकि देन और जॉब कैन बी डन फास्टर और इस बार पार्ट टू जो है तो वो पढ़ा रहेगा वो अच्छा पार्ट है स्टार्ट करो यू वाल मेक द अकाउंट फिर उसके बाद तो मैं दिखाता हूं महक यू मेक दिस अकाउंट फर्स्ट चलो आई शो दामोन आई थिंक दैट विल बी बेटर आई थिंक आपको ऊपर वाले वो डेटा की कोई जरूरत नहीं है तो इतना अल शुद्ध सम चिराग वो करेक्ट है बेटा writing the three answers sixty-two point nine two, eighty-three point six seven, one-one six point six seven. Kushal correct. जिन लोगों का हो गया है एक बार जरा नेक्स्ट पार्ट पढ़ के ट्राई टू डू वट एवर पार्ट है ट्राई टू रीड पार्ट टू एंड ट्राई टू गेट आंसर आई विल सॉल्व इट हाँ तो वो पूरा का पूरा ही वो रखना तो एग्जाम्पल अभी सिक्स जीरो सिक्स थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाई नाइनटीन टू फिफ्टी इन टू इंटू टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू वो पहला आंसर फाइव टू फाइव जीरो इज इक्वल टू वो सेकेंड आंसर उसको राउंड ऑफ तो वैसे मत करना जो आप मेरे को पूछ रहे हो यू टेक दैट एंटायर थिंग ओनली कैलसी के ऊपर ये वाला काम डायरेक्टली हो जाता है सिक्स जीरो सिक्स थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाई नाइनटीन टू फिफ्टी करने का इंटू इंटू टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव टू फाइव जीरो इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इज इक्वल टू हर इज इक्वल टू के बाद आपको आपके जो आंसर्स हैं वो मिलते रहेंगे तो वैसे क्या करो विल बी बेटर क्रिश कुछ पूछना है तो बेटा टाइप कर दें आप पूछ ले अच्छा कोई मेरे को, को ये तीन नंबर्स प्लीज़ बताएगा ये स्टैंडर्ड चेयर और डीलेक्स और एग्जीक्यूटिव अगर टाइप करके दे सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं एक मिनट और दे रहा हूं अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ तो अच्छा कोई और जेंटल बंदा मेरे ऊपर एक एहसान करना ट्रिम ऑपरेशन के अंदर डीलेक्स का मेरे को तीन फिगर वो बताओ ना वो मेरे को चाहिए बाद में ट्रिम ऑपरेशन में डीलेक्स का तीन नंबर um, जो फॉर्मिंग मटेरियल जीरो ठीक है मटेरियल ठीक material है थर्ड थैंक यू सो मच चलिए थैंक यू एवरीबडी चलो सुनो मेरी बात देखो ये हो गया तुम्हारा ये वाला सारा का सारा काम ठीक है दिस इज ऑल डन अभी बराबर से सुनना देखो आईसीए ने सेम जो आंसर्स है ना सेम जो आंसर्स है अपने जो ये वाले आंसर्स थे वो कैसे वो लेकर आए यू ऑल विल अंडरस्टैंड जस्ट अ फॉर्मेटिंग डिफरेंस स्टैंडर्ड चेयर डीलेक्स चेयर एग्जीक्यूटिव चेयर ठीक है उन लोगों ने क्या किया सबसे पहले फॉर्मिंग मटीरियल दिस फिगर अपॉन दिस पर्टिकुलर फिगर वो तो हर एक जगह पे बारह रुपए आ जाएगा ठीक है उन लोगों ने वो वाला काम किया फिर फॉर्मिंग का कन्वर्जन कॉस्ट फॉर्मिंग का कन्वर्जन कॉस्ट उन लोगों ने क्या किया सिक्स जीरो सिक्स थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाई नाइनटीन थाउजेंड टू फिफ्टी या थर्टी वन पॉइंट फाइव थर्टीट फाइव इंस्टीट्यूट ने हर एक जगह पर लिखा होगा Yes, बोलो यस yes, ना तो थर्टी वन पॉइंट फाइव ठीक है उसके बाद टाइम पास के लिए एक टोटल भी मारा ठीक है फिर उसके बाद यहां पे अपना जो सेकंड वाला वो जो प्रोसेस है दैट इज फॉर्मिंग मटेरियल्स ठीक है फॉर्मिंग मटेरियल्स उसके अंदर उन लोगों ने दिस नंबर अपॉन दिस वाला नंबर किया आई थिंक वो चार रुपया आता है ठीक है वो तो हर एक जगह पर चार रुपया ही आने वाला है फिर उसके बाद आ, एक, मिनट, ये एक 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 मिनट एक, ये ये सॉरी सॉरी फर्स्ट वाले प्रोसेस का नाम क्या था बेटा एक्सट्रूशन ना हाँ सॉरी सॉरी वो एक्सट्रूशन मटेरियल्स फिर एक्सट्रूशन का कन्वर्जन कॉस्ट फिर फॉर्मिंग फिर फॉर्मिंग का कन्वर्जन कॉस्ट फॉर्मिंग का कन्वर्जन कॉस्ट विल बी टू लैख सेवन थाउजेंड डिवाइडेड बाई नाइनटीन थाउजेंड टू फिफ्टी ठीक है तो ये आ जाता है कुछ फिफ्टीन पॉइंट फोर थ्री के आसपास तो उन ने हर एक जगह पर लिखा ठीक है वंस यू ऑल डू दिस तुमको समझ में आएगा स्टैंडर्ड चेयर खत्म हो गया एग्जीक्यूटिव विल स्टिल कंटिन्यू उसके बाद हम लोग यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बोले तो ट्रिम मटीरियलेंगे थ्री रुपीज डीलेक्स एन एग्जीक्यूटिव और उसके बाद जो ये वाला मेरा कॉस्ट है ना वन फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी

ऑल द यूनिट कॉस्ट इन मे आर आइडेंटिकल टू एप्रिल यूनिट कॉस्ट कैलकुलेटेड इन टू अवर क्या बोलता है इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने किया देखो यह अप्रिल मंथ का था यहां पर किधर ना किधर मेरे ख्याल से लिखा भी हुआ था दट दिस इज द डेटा फॉर एप्रिल ठीक है अभी वो लोग क्या बोलता है कि तुम ऐसे जरा सोचो दैट ऑल द यूनिट कॉस्ट इन मे आइडेंटिकल टू अप्रैल यूनिट कॉस्ट कैलकुलेटेड इन वन अब तो मे के अंदर भी पर यूनिट कॉस्ट वही था जो अप्रैल के अंदर था वेरी गुड एट द एंड ऑफ मे फिफ्टीन हंड्रेड यूनिट ऑफ डीलेक्स मॉडल रिमेन इन डब्ल्यू आईपी तो अपने पास पंद्रह सो चेस डीलेक्स वाला इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है ठीक है मटीरियल बाई प्रोसेस इज एडेड इन द बिगिनिंग ओनली इसका मतलब तुम लोग को सोचना पड़ेगा

मे मंथ के एंड में अपने पास कौन से मॉडल की कितनी चेयर्स वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है डीलेक्स मॉडल की अपने पास 1500 चेयर्स जो है वो इनकम्प्लीट वो पड़ी हुई हैं ठीक है थीके? और वो लोग क्या बोलते हैं मटेरियल्स एडेड मटेरियल बाय ईच प्रोसेस इज एड इन द बिगिनिंग ओनली बिगिनिंग ओनली मतलब जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है ना हम लोग आगे बोलो ना कुछ ना कुछ देखे 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 पूरा का पूरा मटेरियल हम लोग डाल देते हैं। प्रोसेसिंग कभी ना कभी तो हो ही जाएगा एंड फर्दर दीज यूनिट्स आर 65 कंप्लीट एज ट्रिम ऑपरेशन ओके दीज यूनिट्स आर 65 कंप्लीट इन रिगार्ड टू बोलो 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 ये नाम बोलो फिर से इन ट्रिम ऑपरेशन तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड ट्रिम ऑपरेशन जो है इधर आया ठीक है वो लोग क्या बोलता है कि ना कोई अपने पास 1500 सो चेयर डीलेक्स की पड़ी हुई हैं जो अभी तक ट्रिम ऑपरेशन के हिसाब से 65 परसेंट कंप्लीट है ठीक है मतलब ऑब्वियसली वो जो डीलेक्स वाली चेयर हैं, एक तो वो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के अंदर तो जा ही नहीं सकती दैट इज फॉर श्योर और अगर वो कुछ परसेंटेज कंप्लीट है फ्रॉम ट्रिम ऑपरेशन मतलब कैन बी से उससे पहले इट मस्ट बी फुल्ली कंप्लीट फ्रॉम अर्लियर प्रोसेस दो वरना वो यहां तक कभी वो पहुंचती नहीं ठीक है यूल गिव द टाइटल एंड देन ऑल विल स्टार्ट तो एक टाइटल दो तो इन योर नोटबुक्स लिखो पार्ट टू के अंदर यहां पर क्या लिखा हुआ है uh, जो लास्ट चीज है डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ डीलेक्स मॉडल डब्ल्यू आई पी इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मे तो यहां पे जरा लिखो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1500 हंड्रेड डीलेक्स चेयर्स इन ट्रिम ऑपरेशन एट एंड ऑफ मे आगोश तो एनीथिंग इज ओके बेटा इन एग्जाम यू कैनॉट ट्राई टू मग अपना कि मैं इस मेथड से जाऊंगा या इस मैथड से सो एनीथिंग दैट स्ट्राइक्स फर्स्ट यूर प्रेजेंटेशन माइट नॉट बी सेम एज द इंस्टीट्यूट अपने को तो नहीं पता वो चलेगा ना कि इंस्टीट्यूट क्या प्रेजेंटेशन वो करने वाला है सो एनीथिंग दैट यॉट्स इज ऑल फाइन अच्छा सुनो अभी मैं ना ट्रिम ऑपरेशन पर जाता हूं मैं ट्रिम ऑपरेशन पर जाता हूं ठीक है ट्रिम ऑपरेशन इधर है तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस ना जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी है बेटा ये तो फिनिश गुड्स है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी जो है उसके अंदर तीन कॉस्ट तो आएंगी जो डेबिट साइड पे है तो यहां पर आप लोग लिख के रखो आ... फॉर्मिंग ऑपरेशन मटीरियल्स फिर उसके बाद इस प्रोसेस का मटीरियल और उसके बाद इस प्रोसेस का कन्वर्जन कॉस्ट अच्छा सुना आपके पास पंद्रह सौ चेयर्स पड़ी हुई हैं Into 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 dash dash dash. This dash This you will have to uh, fill for me after some time, अभी इसके आगे जो भी आएगा ना वो तुमको दो मिनट के बाद पता चलेगा हम लोग पहले क्या कर लेते हैं मेरे को जरा बोलो जब एक स्टैंडर्ड चेयर पूरी की पूरी बन जाती है सॉरी जब एक डीलेक्स चेयर पूरी की पूरी बन जाती है बेटा उसका कॉस्ट कितना होता है तुम लोगों ने फाइंड आउट किया था उसका कॉस्ट कितना होता है 3.67 मैं क्या करने जा रहा हूं ना मैं 83.67 का ना ब्रेकअप करने जा रहा हूं कि भाई इसके ना मटेरियल कॉस्ट कितना है फिर उसके बाद अर्लियर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट कितना है और कन्वर्जन कॉस्ट कितना है तो देखो मैं क्या चीप टेक वो करने जा रहा हूं अगर आप लोग ऐसे आंसर करते तो आपको कई चीजें डायरेक्टली वो मिली जाती लेकिन ठीक है वी ऑल हैड डिसाइडेड टू डू द थिंग्स लाइक दिस तो ठीक है चलो सुनो ये जो 439275 है ना 439275 that is in this particular case sum of this this and this ठीक okay? है and that give us this मैं क्या कर रहा हूं इसी चीज को ना इसी चीज को तीन बार डिवाइड करने जा रहा हूं तीन बार डिवाइड मैं किससे वो करूंगा 5250 से तो क्या हो जाएगा मेरे को वो 82.9 वो 82. पॉइंट जो भी तो वो फिगर थी मेरे को उसका ब्रेकअप मिल जाएगा ब्रेकअप तो तुमको ये चीज पता चल जाएगा कि जो फिनिश कुछ होता है उसके अंदर अर्लियर प्रोसेस मटेरियल का कॉस्ट कितना आता है फिर उसके बाद इस पीरियड के मटेरियल का कॉस्ट कितना आता है एंड फाइनली वो जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो कितना आता है तो तीन बार अभी वी आर अबाउट टू बी डूइंग दिस तो तुम लोग क्या करो जो तुम लोगों ने लास्ट चीज वो किया यहां पे एक या दो लाइन ब्लैंक वो छोड़ दो यहां पे लिख के रखो ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट ऑफ डील चेयर ये जो डीलेक्स चेयर है इसके अंदर फॉर्मिंग ऑपरेशन मटेरियल्स फॉर्मिंग ऑपरेशन मटीरियल शायद आगोश आई एम आई एम नॉट वेरी श्योर बेटा जस्ट चेक फिर उसके बाद यहां का मटीरियल्स उसके बाद कन्वर्शन कॉस्ट तो वो तीन नंबर जो डेबिट साइड पे थे ना वो हम लोग अलग अलग एक्सप्लाइट कर रहे हैं थ्री थ्री जीरो थ्री सेवन फाइव थ्री थ्री जीरो थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाय फाइव टू फाइव जीरो फिर उसके बाद फिफ्टीन किसने मेरे को बताया भी था कितना है 15, 7, divided by 5, 2, 5, उसके बाद नाइनटी थ्री वन फिफ्टी था शायद नाइन्टी थ्री वन फिफ्टी डिवाइडेड बाय फाइव टू फाइव जीरो टोटल एटी थ्री पॉइंट 83.6 से बनाना आना चाहिए ये करो पहले तीन पार्ट जरा निकालो उसके 62.93 3 17.74 अच्छा सब लोग प्लीज मेरे को एक चीज बोलना क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट क्वेश्चन डूइंग फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर बराबर से सुनना तुमको समझ में आता है ये वाला फिगर 62.93 ही होना चाहिए था 62.93 हम लोग पहले भी कंप्यूट कर ही चुके हैं वैसे मेरे को बोलो 62.93 ये कौन सा वाला फिगर है ये स्टैंडर्ड चेयर का कॉस्ट है ना तुमको इतना समझ में आएगा कि की डिलेक्स चेयर की कॉस्ट तो लेकिन यहाँ पे ये वाले दो कॉस्ट ऑब्वियसली वो ऐसे एक्स्ट्रा वो लग रहे हैं जो स्टैंडर्ड चेयर के अंदर वो नहीं थे ठीक है अभी तुम लोग क्या करो यहाँ पे लिखो सिक्स पंद्रह सो चेयर के लिए सिक्सटी टू पॉइंट थ्री ठीक है अभी सुनो अपने पास पंद्रह सो चेर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी के तौर पर थी अपने को उसका कॉस्ट निकालने का है तो पंद्रह सो चेयर ठीक है हर एक इंग्रीडियंट ऑफ कॉस्ट का जो कॉस्ट है मतलब वो ये वाला फिगर है यहां पे ना अभी तुम लोग को तीन परसेंटेजेस लिखने का है तीन परसेंटेजेस अभी तुम लोग आराम से ये वाला चीज पढ़ के मेरे को तीन परसेंटेजेस बताओ बस पढ़ने का है कुछ कंप्यूट नहीं करने का आराम आराम से मेरे को ना टाइप करके देना दैट विल बी बेटर यहां पे तीन बी है किसी का गलत होएगा आई विल बी सेइंग वरना एवरीथिंग दैट एवरीबडी हैज रिटर्न वो करेक्ट ही है वैसे एवरीबडी इज करेक्ट ध्रुव यू आर रॉन्ग आयुष लास्ट वाला इज नॉट थर्टी बेटा सम ध्यान से पढ़ तो ध्रुव का गलत है बाकी एवरीबडी स्टाइपिंग करेक्ट होगी विजित गलत है आयुष सम बेटा ध्यान से तो पढ़ ले एक बार स्क्रीन पर है महक गलत है मैं स्टार्ट करता हूं अभी सुनो रेस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर करेक्ट होगी सुनो ऑब्वियसली सम को बताने की कभी जरूरत भी नहीं है दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ थर्ड प्रोसेस उसके अंदर सेकेंड प्रोसेस का मटीरियल तो हमेशा एक नंबर बोलो ना। हंड्रेड परसेंट ही होगा ये तो सम भी मेरे को नहीं बताने वाला है ठीक है एक और चीज ये 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 वाला 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 65% 65% 65% तो तो मेरे को दिया। है। ये वाला figure मैं सोचता रहता हूं, लेकिन मेरे को सबने बीच में एक सेंटेंस भी तो दिया और वो वाला जो सेंटेंस है वो इधर है मटीरियल बाई प्रोसेस इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ओनली ओके So therefore in इन दिस case केस by each प्रोसेस इज एडेड इन द beginning ओनली तो so, हर प्रोसेस का जो मटेरियल है वो शुरू के अंदर ही ऐड हो जाता है ठीक है अगर शुरू के अंदर ही ऐड हो जाता है तो मतलब जैसे ही ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ मटेरियल तो हम लोगों ने डाल ही दिया सो देयरफॉर दिस विल बी हंड्रेड परसेंट मैं क्या करता हूं तुम लोग को ना दो चीजें लिखवाता हूं वरना तुमको शायद ऐसा कभी ना लग जाए कि ये तो हंड्रेड परसेंट ही होना चाहिए था ये वाला तो हमेशा हंड्रेड परसेंट ही होना चाहिए था लेकिन ये उस लाइन की वजह से है पहले तुम लोग ये वाला चीज कंप्यूट कर लो उसके बाद बताता हूं One one 1 6 1 9 one. So, Haan, chalega, chalega, chalega. you can make that as 6 2 that's okay mother uh, you can make that as nine nine two. that's fine One one six one nine two. नीचे वाले टू नोट्स जो हैं बेटा वो कॉपी कर लेना सुनो देखो दिस थिंग इज ऑल टूगेदर डन अपने को जो भी वो करने का था ठीक है आई थिंक दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन दैट वॉज देयर ऑल्सो सो दिस सेशन इज सच ऑल ओवर आई एल सी ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर